नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। तालिबानी आतंकियों ने जब से बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लिया है, इस देश के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। हर कोई बस अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाह रहा है। तालिबानियों के आने के बाद महिलाओं के लिए तो जैसे ये देश अब किसी नरक से कम नहीं। तालिबानियों का पुराना इतिहास रहा है कि वो इतने कट्टर हैं कि महिलाओं को सरेआम गोली मारने से भी नहीं चूकते। जब वो महिलाओं को न्यूज तक नहीं पढ़ने देते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल खेलने वाली महिलाओं का आने वाले समय में क्या अंजाम होने वाला है। बस इसी खौफ में आजकल अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम जी रही, और ये खौफ किस कदर है ये आप टीम के कप्तान शबनम मुबारेस के ट्वीट से समझ सकते हैं। अफगानिस्तान के लिए फुटबॉल खेलने वाली कप्तान शबनम मुबारेस अपनी टीम के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा से गुहार लगाते हुए ट्वीट किया, अफगानिस्तान में फंसी मेरी टीम को बचा लो। शबनम मुबारेस ने ट्वीट में अपनी टीम से हुई बातचीत शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, आप लोग ठीक हैं? अफगानिस्तान में मौजूद मेरी टीममेट्स ने कहा, नहीं हम ठीक नहीं हैं। मैं जानती हूं वो जल्द ही यहां भी आ जाएंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? फीफा, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं? हमें अपने साथियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, वो मेरी बहनें हैं। अफगान फुटबॉल टीम की कप्तान शबनम मुबारेस के ट्वीट के मुताबिक अफगानिस्तान में फंसी फुटबॉल प्लेयर्स उनसे लगातार तालिबान से बचाने की गुहार लगा रही। वो डर रही हैं कि जल्द ही तालिबान उन तक पहुंच सकता है, फिर उसके बाद इन खिलाड़ियों का क्या होगा ये शायद इन खिलाड़ियों को भी नहीं पता। यही वजह है कि खुद कप्तान शबनम मुबारेस ने अपनी टीम की खिलाड़ियों को बचाने के लिए फीफा से गुहार लगाई। ट्रिब्यूनो एक्सप्रेसो न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए शबनम मुबारेस ने अपनी टीम के बारे में बताया, उन्होंने अफगानिस्तान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। हमने महिलाओं को एक नई आवाज देने और उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक टूल के रूप में फुटबॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फुटबॉल एक ऐसी चीज है जो उन्हें खतरे में डाल सकती है और संभावित रूप से उन्हें मार भी सकती, जो कि दिल दहला देने वाला। अफगान फुटबॉल टीम की कप्तान शबनम मुबारेस ने आगे बताया, मैं उनसे व्हाट्सएप पर नियमित रूप से बात करती हूं और पूरी कोशिश करती हूं कि उन्हें निराश ना करो। जब मैं राष्ट्रीय टीम की कप्तान थी, मैं खिलाड़ियों से कहती थी कि सब कुछ ठीक होने वाला, हम सब इससे जल्द पार पाने वाले। अफगानिस्तान में मौजूद महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में शबनम मुबारेस ने कहा, मैं जब उन्हें फोन करती हूं तो वो रोने लगती है, उन्हें अपनी जान का खतरा। मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि सब कुछ जल्द ठीक होने वाला, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं जानती कि कल या एक हफ्ते बाद क्या होने वाला। अमेरिका में रह रही 25 साल की शबनम मुबारेस अफगानिस्तान में तालिबान के आने से इसलिए खौफ में है क्योंकि इससे पहले 1996 में जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो उसने लड़कियों के स्कूल जाने पर बैन लगाने के साथ ही महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी थी। जो महिलाएं घर से बाहर निकलती भी थीं तो उन्हें पूरी तरह से अपना शरीर बुरके से ढकना पड़ता था। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि तालिबानियों के राज में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों के लिए ये नया अफगानिस्तान किसी नरक से कम नहीं।